जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत की तो लॉन्चिंग कई रूटों पर कर और साथ में आपको कई रूटों पर और वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने वाली है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको लगातार देता जा रहा हूं। लेकिन साथ में भारतीय रेलवे द्वारा ये भी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द कई रूटों पर देखने को मिलने वाली है। तो साथ में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ICF कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के रैक तैयार कर लिए हैं। तो कितने की संख्या में भारतीय रेलवे ने अमृत भारत तैयार कर लिए हैं और किन किन रूटों पर सबसे पहले भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करने वाली है। साथ में मैं आपको ICF में तैयार अमृत भारत के पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय रेलवे द्वारा ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में कई अमृत भारत भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। क्योंकि जो भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग कर रही है ये महंगी ट्रेन है और सभी लोग इसके फेयर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जो अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने दो रूटों पर की है उन रूट से अमृत भारत का जो रिस्पांस है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जो सस्ती वंदे भारत यानी कि अमृत भारत है उस पर भारतीय रेलवे अब ज्यादा फोकस दे रही है और उसकी लॉन्चिंग की तैयारी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है, जो कि आपको कई रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में जो भारतीय रेलवे अमृत भारत का निर्माण कर रही है उसमें आपको कई प्रकार के चेंजेस अब देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस अमृत भारत और कौन कौन से बदलाव भारतीय रेलवे ने अमृत भारत में किए हैं और किन किन रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग और कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश में जो दो अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की। पहली अमृत भारत भारतीय रेलवे ने मालदा और बेंगलुरु के बीच शुरू की, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी अगर हम देखें उसका फीडबैक बहुत ही बढ़िया गया, जिसके तर्ज पर भारतीय रेलवे उसे साप्ताहिक के रूप में चला रही थी। लेकिन रैक वहां पर कई दिनों तक खड़े रहने के कारण भारतीय रेलवे बेंगलुरु से राजस्थान के बीच भी भारतीय रेलवे उस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दी। भारतीय रेलवे जब अमृत भारत का और प्रोडक्शन पूरा कर लेगी तो आपको उस रूट पर भी दो अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेंगी। और साथ में बिहार को भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि तीन अमृत भारत की सौगात देने की तैयारी कर रही है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। जो भारतीय रेलवे बिहार को अमृत भारत की सौगात दी, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे चला रही है, तो जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे का परिचालन कर रही है हर रूट पर से अमृत भारत का लगातार डिमांड आता जा रहा है कि इस रूट पर भी और अमृत भारत का परिचालन किया जाए। LHB रैक वाली जो ट्रेन है उसे कहीं ज्यादा सुविधा भारतीय रेलवे इस अमृत भारत में लोगों को प्रोवाइड कर रही है और पैसा में कुछ ज्यादा भारतीय रेलवे इस ट्रेन के लिए इजाफा नहीं की। थोड़ा सा आपको फेयर में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय रेलवे इसमें आपको सुविधा भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है। तो लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान लोग पैसे के साथ साथ अब सुविधा भी देख रहे हैं कि हमारे पैसे के हिसाब से भारतीय रेलवे सुविधा दे रही है कि नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर रूट से अमृत भारत का डिमांड जा रहा है, जिस पर भारतीय रेलवे लगातार फोकस कर रही है और इस पर भारतीय रेलवे जोर शोर से ICF कोच फैक्ट्री में काम भी कर रही है अमृत भारत निर्माण। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को भी बनाने में उतना ही समय लगाएगी जितना वंदे भारत में भारतीय रेलवे समय लेती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो या कोई नई ट्रेन का निर्माण जब भी भारतीय रेलवे करती है तो उसमें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो एक नई ट्रेन होती है और किसी भी नई ट्रेन के प्रोडक्शन में भारतीय रेलवे को समय लगता है क्योंकि उसमें सब चीज नया होता है। लेकिन जो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव आपको भारतीय रेलवे नहीं कर रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये पूरी नॉन एसी ट्रेन है और नॉन एसी ट्रेन बनाने में भारतीय रेलवे को कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं। जो पहले से जो ट्रेनें भारतीय रेलवे चला रही है, मैं बात कर रहा हूँ LHB कोचेज लमसम उसी कैटेगरी की ये भी ट्रेन है, ये भी नॉन एसी ट्रेन है और जो LHB कोच के साथ भारतीय रेलवे ट्रेन को दौड़ाती है वो भी नॉन एसी ट्रेन कुछ होती है।
इन सब ट्रेनों का निर्माण भारतीय रेलवे कुछ वर्षों से कर रही है, तो इस पर भारतीय रेलवे को पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। और उसी तर्ज पर हमारी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसको भी भारतीय रेलवे LHB के तर्ज पर भारतीय रेलवे इसको भी बहुत ही तेजी से तैयार कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द कई रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी कोच की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कुछ कम सुविधा देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भारतीय रेलवे अमृत भारत का निर्माण कर रही है उसमें LHB कोच के अपेक्षा इसमें आपको सुविधा भारतीय रेलवे कई प्रकार से अधिक दे रही है। इसमें जो भारतीय रेलवे ने ICF कोच फैक्ट्री में जो रैक अमृत भारत के तैयार किए हैं उसका इमेजेस मैंने बैकग्राउंड में मैंने लगा दिए हैं, उसे आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत पर काम तेजी से शुरू कर दिया है और उसका रैक भारतीय रेलवे तैयार कर रही है और तैयार करते ही आपको कई रूटों पर देखने को मिलने वाले। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे जब अमृत भारत का निर्माण करके कंप्लीट कर लेती है तो किन किन रूटों पर आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाले। बिहार के रेल यात्रियों को सबसे ज्यादा लाभ भारतीय रेलवे देने वाली है, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी से एक एक जोड़ी अमृत भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। एक एक जोड़ी अमृत भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। अभी रूट भारतीय रेलवे द्वारा कन्फर्म नहीं हुआ है, रूट हो सकता है आगे चलकर इसमें भारतीय रेलवे कुछ बदलाव भी कर सकती है, लेकिन ऐसा जानते हैं कि जनरल और स्लीपर कैटेगरी की जो भी ट्रेनें होती है उसे भारतीय रेलवे या तो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार नहीं तो बंगाल से, इन तीन जगहों से सबसे पहले इन ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे करती है। जैसा कि आपने देखा कि दो अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की, तो पहला बंगाल को सौगात भारतीय रेलवे ने दी और दूसरी अमृत भारत की सौगात बिहार को मिली। तो वैसे ही फिर आपको बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश को भारतीय रेलवे अमृत भारत की सौगात दे सकती। फिलहाल ICF कोच फैक्ट्री में 3 से लेकर 5 अमृत भारत पर काम भारतीय रेलवे कर रही है, जिसका इमेज मैंने आपको बैक में लगा दिया है, आप देख भी सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन आशा है कि आपको इसी साल के अंत तक कई रूटों पर अमृत भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई रूटों का चुनाव भारतीय रेलवे ने की है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आधिकारिक जानकारी निकल कर सामने आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो पहले से अमृत भारत चल रही है उसमें भारतीय रेलवे AC के भी कोच दो दो लगा सकती है और साथ में उसमें कई प्रकार के चेंजेस भारतीय रेलवे ने की है, जैसे कि पैर से दाबने पर नल से पानी आता था कोच में, उसमें भी भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। अब उसे सेंसर उसमें भारतीय रेलवे लगा रही है, जिसे आपको बोतल नीचे लगाते ही पानी आपको सर्व कर देगा नल। जो पैर से दबाने वाला जो नल था उसमें 1 से लेकर 2 पैसेंजरों को दबने से उसमें मिट्टी भर जाने के कारण वो अपना पानी का सप्लाई बंद कर देता था, तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने इसको भी इसमें भी बदलाव किया है। साथ में आपको सीट के कलर में भी बदलाव दिखेंगे, इसको भी भारतीय रेलवे ने कुछ बढ़िया बनाए हैं ताकि ये लंबी दूरी की ट्रेन है और इसमें लोग लंबे लंबे दूर की सफ़र करेंगे, तो अगर सीट आरामदायक नहीं रहेगा तो लोगों को परेशानी होगा, तो भारतीय रेलवे ने सीट में भी बदलाव किया है। कोच में CCTV कैमरे की संख्या भी भारतीय रेलवे ने बढ़ाई है ताकि जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं उनकी सामान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ में लोकोमोटिव में भी भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं, लोकोमोटिव आपको और भी ज़्यादा एरोडायनेमिक आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ट्रैक में भी चेंजेस कर रहे हैं और ट्रैक में चेंजेस करने का कारण यह है कि अमृत भारत अपनी पूरी रफ्तार में चल सके। नहीं तो ट्रेन भारतीय रेलवे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तो बना देती है, लेकिन जो ट्रैक है वो ट्रैक का पोजीशन सही नहीं रहने के कारण जो नॉर्मल ट्रेन है उसी के आधार पर इस ट्रेन का भी परिचालन शुरू हो जाता है, तो इससे भारतीय रेलवे को भी दिक्कत हो रहा है और साथ में पैसेंजरों की समय की भी हानि होती है। तो दोस्तों, इन सभी चेंजेस के साथ आपको बहुत जल्द 2 से लेकर 3 महीने के अंदर आपको कई रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।